News 18, India. और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ईरान के मीडिया के हवाले से। बड़ी खबर है कि ईरान की सेना ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर हमला किया है। इस हमले में ईरान ने जैश अल-अदल नाम के एक चरमपंथी संगठन के सीनियर कमांडर और उसके कुछ साथियों को मौत के घाट उतार दिया है। एक महीने पहले ही दोनों देशों ने एक दूसरे के इलाके में स्ट्राइक की थी। हालांकि पाकिस्तान ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन एक बार फिर से ईरान की तरफ से पाकिस्तान की सीमा में घुसकर यह अटैक किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए ओपी तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ओपी, क्या जानकारी मिल पा रही है? एक बार फिर से आमने सामने, पहले ईरान अटैक करता है फिर पाकिस्तान अटैक करता है, लेकिन पुष्टि दोनों नहीं करते। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ईरान की मिलिट्री ने ऑपरेशन इनसाइट के तहत ये ऑपरेशन किया है। ईरान की मिलिट्री का दावा है कि सैफ अल-अदल के कमांडर जो पाकिस्तानी सीमा के अंदर छुप के बैठे हुए थे, उसने ऑपरेशन इनसाइट के तहत अपने चुने हुए कमांडोज पाकिस्तान की सीमा के अंदर भेजे और उन्होंने सैफ अल-अदल के कमांडर को मार गिराया। ईरान मिलिट्री का दावा है कि ये कमांडर ईरान में हुए कई हमलों के लिए जिम्मेदार था। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तानी फौज ने अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी फौज ईरान के अंदर अपना कोई इनसाइड ऑपरेशन करे। मोनिका, की तरफ से की गई है, लेकिन यह बड़ा हमला ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर।